मिला क्या है ये इतना, तो ये कितना आ जाएगा, 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 कितना हो गया, ये 9। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, y इज इक्वल टू 9/6 आ रहा है बच्चा। 9/6 मतलब 3/2, 3/2 आ जाएगा, 3/2। चेक दिस आउट, 3/2, 3/2 आ रहा है बच्चा। तो सेंट्रोइड ओ, लेट से सॉरी सरकम सेंटर ओ है, तो ये 3/2, 3/2। चेक दिस आउट, चेक करो ये सर बच्चा। सर, हाँ हाँ बोलो, कहाँ गलती की है। हमने 9 की इक्वेशन लिखते वक्त तो x-1 लेना चाहिए ना। अच्छा फिर से हमने क्या लिया हुआ है, 3/2 लिया हुआ है फिर से। हाँ अरे यार क्या गलती कर रहे हैं, बहुत सारे एरर्स कर रहे हैं इस बार। बिल्कुल सही बात कर रहे हो, एक जगह करेक्ट किया तो दूसरी जगह गलत हो गया। अभी चलो कर ही देते हैं इसको। आज माइंड ठीक नहीं है, संतुलन नहीं है माइंड, ऐसा लग रहा। यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, पूरा ही करेक्ट हो गया। कितना मिला बाय द वे, y-3/2 = -1/ ये 3/2, और x माइनस यहाँ 1 आ जाएगा, तो 3/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3/2y-9/4 = -x+1 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6y-9 = -4x+4, तो 4x+6y = 13 हो गया। ये B1 बाइसेक्टर है। अच्छा B2 बाइसेक्टर है, x = 3/2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, और इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तो 4 × 3/2 + 6y = 13, मतलब 6y = 13 माइनस ये कितना 6, हाँ तो ये 7 हो गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, y = 7/6 आ गया। तो जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो कितना आ जाएगा, x तो आ रहा था 3/2, 3/2, और y आ रहा है 7/6, ये आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। तो यदि थोड़ा भी आप फोकस इधर उधर हुआ ना, आपका माइंड डेविएट हुआ, तो इस तरह की गलतियां आपसे हो सकती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स से वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल लाइक दिस, लेट्स से ए बी सी, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है ए सी का, वो एम है। लेट्स से ए बी लेंथ 3 ले लेते हैं, बी सी ले लेते हैं 4, तो बताओ कि ये बी एम लेंथ कितना होगा, बी एम कितना होगा, फाइंड करो, आंसर करो इसको। यस बोलो। 2.5 नहीं होगा क्या बिल्कुल बीएम? बिल्कुल 2.5 ही होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, 2.5 क्यों होगा। देखो ये मिड पॉइंट है एम एसी का, एसी का मिड पॉइंट है एम, तो ये 3/4 और ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये 5, AC 5 हो गया, ये तो ये 5/2, और इधर भी 5/2 आ गया, ठीक। अब BM 2.5 है, मतलब
ये 2.5 मतलब 5/2 ही होता है। तो बी एम भी इतना ही क्यों होगा, वो इसलिए कि यदि हमने ए सी को, यदि हमने ए सी को डायमीटर एज्यूम करके एक सर्कल यदि ड्रॉ किया तो वो बी से पास करेगा। ए सी को डायमीटर एज्यूम करके यदि हमने सर्कल ड्रॉ किया तो वो बी से पास करेगा, और ये तो प्रॉपर्टी होती है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल सबटेंड 90 डिग्री एट दिस सर्कमफेरेंस होता है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि एम डायमीटर का मिड पॉइंट है, तो क्या यही सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। तो सेंटर का सर्कमफेरेंस से जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस के इक्वल है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, और आर यहाँ पे 5/2 है, तो ये बी एम कितना हो जाएगा 2.5। क्या इतनी बात समझ आए? और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ में आता है, नोट, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, देन मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस means is the circumcenter, circumcenter of triangle ABC। note कर लीजिए फटाफट इस point को। यदि right angle triangle है तो hypotenuse का mid point उस triangle का circumcenter होता है। note करो फटाफट ये point, note down this। अच्छा यदि हो गया अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 81 सॉल्व इट। फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड्स, ये साइड गिवन है, आंसर इट। मिला आंसर क्या? ये देखो x इक्वल टू 2 लाइन है, कुछ वर्टिकल लाइन है, लेट्स से ये x इक्वल टू 2 लाइन है, y इक्वल टू -1 लाइन है, ये y इक्वल टू -1 लाइन है, और एक लाइन है जो इसको इस तरह से कट कर रहा है, ये हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। समझ आ रहा है? तो ये तो आपस में राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। देखो कॉल दिस बी, ये a, ये b हो गया, c हो गया, और हमें चाहिए सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर क्या होगा, a और c का मिड पॉइंट, तो C के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो एक काम करो, देखो C पे जो भी होगा, Y तो -1 होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो Y हो गया -1, यहाँ पे तो X कितना होगा, Y -1 इसमें पुट कर देते हैं तो X 6 आ जाएगा। देखो ध्यान से 6 आ गया C के कोऑर्डिनेट, Y -1 पुट करें तो X की वैल्यू 6 आ जाएगी। अच्छा A चाहिए, तो इसी लाइन का X इक्वल टू 2 से इंटरसेक्शन, तो इस पे तो x कितना हो जाएगा 2, अच्छा x 2 पुट कर दे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये a और c मिल गया, तो इसका मिड पॉइंट जो m है, a और c का मिड पॉइंट 6 प्लस 2 8/2 कितना हो गया 4, 1 और -1 का एडिशन 0/2 0 आ जाएगा ये। तो सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा 4, 0, यही सर्कम सेंटर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आए? दिस इज द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल, इज दिस क्लियर टू यू? नेक्स्ट लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखो लेट से ये ट्रायंगल है, ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसके कोऑर्डिनेट वर्टिसेस गिवन है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और सी के कोऑर्डिनेट है x3, y3।
जो ऑर्थो सेंटर होता है तो ये क्या होता है एल्टीट्यूड्स का वर्टिसेस से अपोजिट साइड पे जो अल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं और इसको हम एच से डिनोट करेंगे यहाँ पे किससे डिनोट करेंगे एच से इसको ज्वाइन करेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा ऑर्थो सेंटर बन जाएगा लेट से ये एच हो गया है ना यहाँ पे ये डी हो गया डी ई और ये एफ हो गया सो आप लिख लीजिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है ऑर्थो सेंटर इज दी ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ altitudes drawn from vertices to opposite sides. Note down this. तो क्वेश्चन ये है कि ये ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाले पॉइंट हैं कि देखो कि ये जो लेट से वी आर टारगेटिंग ऑल्टीट्यूड एडी ऑल्टीट्यूड को टारगेट कर रहे हैं एडी अल्टीट्यूड कैसे निकाला जाएगा ये देखेंगे तो पहला पॉइंट आप नोट करने वाला है कि एडी जो है एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है तो इसका मतलब है कि एम ऑफ एडी इंटू एम ऑफ बीसी इज इक्वल टू माइनस वन है तो देखो बी और सी के कोऑर्डिनेट गिवन है तो बीसी का स्लोप आ जाएगा इससे हमें क्या मिल जाएगा एम ऑफ एडी यू कैन फाइंड एम ऑफ एडी माइनस वन अपॉन एम ऑफ बीसी ये आप आसानी से फाइंड कर सकते हो अच्छा एडी का स्लोप आपको मिल गया और ये एडी ए से पास कर रहा है ना सो सेकंड पॉइंट आप नोट कर सकते हो यू कैन फाइंड एडी एडी की इक्वेशन मिल जाएगी बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म तो एडी क्या हो जाएगा एडी लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एडी का स्लोप ये ऑलरेडी आपने माइनस वन अपॉन एम ऑफ बी सी टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन इस तरह से ये एडी ऑल्टीट्यूड मिलेगा और जैसे एक ऑल्टीट्यूड मिला तो सेम प्रोसेस तो दूसरे के लिए है बी ई क्या है बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी है एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए बी है तो आपको क्या करना है कोई दो अल्टीट्यूड फाइंड करना है और उनका इंटरसेक्शन ही क्या मिल जाएगा ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा नोट ऑन दिस एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 सॉल्व करो फटाफट The vertices of a triangle are A, B, and C. Find equation of its altitude. Also find its ortho center. Answer karo. Mila bachcha log. Anshuman, Avni, Gaurav, Revati, Shar. Mila kya? Chalo bata. Nahi aa raha. चलो बता देते हैं कैसे करेंगे सर है ना ए बी सी ट्रायंगल है लेट्स से मैं यहाँ पे ऑल्दो इसके आंसर गिवन है ना बी सी तो कोई भी दो अल्टीट्यूड आपको निकालना है ये डी ए डी एंड लेट्स से बी ई निकाल देते हैं ठीक है तो
एम ऑफ बी सी कितना है? एम ऑफ बी सी देखो, अभी हम लोग ए डी अल्टीट्यूड निकालने की कोशिश करेंगे, एम ऑफ बी सी कितना हो जाएगा? देखो बी और सी पॉइंट गिवन है, बी और सी तो इनकी हेल्प से, तो 9 -1 upon -4 -2 +2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 by -2 आ गया, तो -5 हो गया, -5 ये एम ऑफ बी सी हो गया। तो ए डी, ए डी बाई सेक्टर कितना हो जाएगा? देखो ये ए डी अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ए से पास हो रहा है, तो वाई माइनस फोर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी, ए डी का स्लोप कितना है? देखो बी सी का स्लोप है -5, तो ए डी का स्लोप हो जाएगा 1/5। एक्स माइनस एक्स वन कितना है? ए, मतलब 10 हो गया एक्स वन, तो यहाँ पे ये 10 पुट अप कर देते हैं इस तरह से, तो ये कितना हो गया 5y-20 इज इक्वल टू x-10। तो यहाँ पे क्या हो गया x-5y+10=0, x-5y+10=0। तो देखो ये एक अल्टीट्यूड मिल गया, यही चाहिए था। अच्छा अब दूसरा अल्टीट्यूड बी ई निकाल देते हैं, सेम वे ये फर्स्ट हो गया, एंड बी ई के लिए एम ऑफ ए सी चाहिए, एम ऑफ ए सी कितना हो गया? ए सी का स्लोप ए और सी के बने, तो 4 -1 upon 10 -2, तो ये आ गया 5/12 एम ऑफ ए सी, ए सी का स्लोप मिल गया, तो बी ई का स्लोप कितना हो जाएगा? -12/5। तो बी ई की जो इक्वेशन है, बी ई की इक्वेशन लिखना है हमें, तो वाई माइनस बी के कोऑर्डिनेट ये -4, -9, y-9 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी ई, ए सी का स्लोप है 5/12, तो ये -12/5 हो गया, और ये x यहाँ पे देखो ये -4, -9 है, तो ये x plus 4 हो गया, x-4 ये x+4 हो गया। अब यहाँ पे ये 5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 5y-45 इज इक्वल टू -12x-48, तो ये मिला 12x+5y, और इसको इधर ले आएंगे तो 48 - 45 कितना हो जाएगा? +3=0। ये दूसरा अल्टीट्यूड हो जाएगा, देखो ध्यान से, 12x+5y+3, तो एक और चाहिए, तो थर्ड ये आ जाएगा। अब इन दोनों को यदि हम सॉल्व कर देते हैं, यदि इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने ये अल्टीट्यूड है, देखो दोनों का वाई भी सेम, तो यदि इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना मिलेगा? 12 और 1 13x+13 इज इक्वल टू 0, वाई वाला तो कैंसिल हो जाएगा पार्ट, तो x = -1 आ गया। अच्छा x - 1 आ गया, तो वाई कितना आएगा? एक मिनट, तो x मिला -1, x-1 हो गया, और y के लिए किसी एक में पुट कर देते हैं x का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 -5y+10=0, तो 5y = 9 आ जाएगा, y = 9/5 हो गया। तो आई थिंक ये पॉइंट आ गए होंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा और वर्क करेंगे ऑर्थो सेंटर पर, सो दैट कि ये अच्छा हो जाए तुम्हारा, ठीक है? विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास।